सो सिद्धू मूसेवाला केस के ऊपर बहुत सारे अपडेट निकल के आ रहे हैं और जो फाइनली जो वीडियो है वो सामने आ चुकी है जो अटैक हुआ है सिद्धू मूसेवाला के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा और उस वीडियो में सारी चीज दिखाई गई है और जो गन का नाम लिया जा रहा था AN-95 जो गन यूज हुई है वो गन भी दिखाई दी है साफ उसमें, और एक ही गन थी और बाकी बंदों के पास पिस्टल थी और कैसे उन्होंने हमला किया और सिद्धू मूसेवाले ने भी आगे से फायर किया सारा कुछ उस वीडियो में दिख रहा था। लेकिन आगे आपको मैं उस वीडियो में इसी वीडियो में सारा क्लिप वो दिखाऊंगा। लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रहे हैं सिद्धू मूसेवाले केस के रिलेटेड और मुझे पता है कि आप लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो, मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर क्या अपडेट है। तो अभी सारे अपडेट जितने भी है सारे जल्दी से आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं जितने भी अभी तक अपडेट आए हैं सिद्धू मूसेवाला केस के ऊपर। उसके बाद फिर मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा जो भी ये अटैक की वीडियो अभी तक सामने आई, ये कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ये किसी बंदे ने मोबाइल से शूट किया जब वहां पर अटैक हुआ था सिद्धू मूसेवाले भाई के ऊपर। तो किसी मेरे भाई ने उसी जगह पे अपना दिमाग यूज करते हुए बहुत जल्दी से वीडियो बनाई और उसमें सारी की सारी वारदात जो है उसने वो कर लिया है। तो अभी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। तो जो एक सबसे बढ़िया गुड न्यूज जो निकल के आ रही है, हमारे जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान जी वो अभी आज सुबह इनके सिद्धू मूसेवाला भाई के घर पे गए थे और उनके फादर से वो मिले और उन्होंने अफसोस भी किया जो भी घटना हुई उसके बारे में, और उन्होंने एक अच्छी न्यूज दी है उनके फादर को कि सिद्धू मूसेवाले का नाम जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक दुनिया ये सिद्धू मूसेवाले भाई को याद करती रहेगी और सिद्धू मूसेवाले के नाम के ऊपर एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जा रहा है। आप सभी को शायद पता नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि सिद्धू मूसेवाले भाई कैंसर के खिलाफ भी बहुत ज्यादा बोलते रहे हैं, इसके ऊपर बहुत उन्होंने बातें की हैं और इसके ऊपर बहुत उन्होंने आवाज भी उठाई है क्योंकि इनके ये मानसा के रहने वाले हैं और मानसा में एक थर्मल प्लांट है और इन्होंने बहुत बार इस चीज के ऊपर आवाज उठाई है कि इस थर्मल प्लांट की वजह से पूरे मानसा को और पूरे वहां की जो जितना भी एरिया है वहां पे कैंसर जैसी बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। तो उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी लेकिन फाइनली अब सिद्धू भाई तो नहीं रहे लेकिन अब उनके जाने पे वहां के लोगों को बहुत बड़ा एक तोहफा मिलने वाला है, एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाने वाला है सिद्धू मूसेवाले भाई के नाम पे और एक स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बनाया जा रहा है और मेरे हिसाब से इससे बहुत से लोगों का भला होगा और सिद्धू मूसेवाले भाई का नाम पे वहां के लोगों का भला होगा तो भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो अभी बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जेलों में जितने भी बंदों ने कॉले की है जेल के अंदर से 47 नंबरों को ट्रेस किया गया है और उन सभी को अरेस्ट किया जा रहा है जितने भी बंदों ने जेलों के अंदर से कॉलों को रिसीव किया है और बहुत से जो तारे हैं इस केस से जुड़ रही हैं। और आपको शायद ये भी मेरे हिसाब से पता नहीं होगा कि दो बंदे सिद्धू मूसेवाले भाई के गांव से भी अरेस्ट किए गए हैं और उनका भी उनके ऊपर भी शक है कि ये इनके गांव से ही थे और इनको भी जेल से कॉल आती थी और मे बी इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक की हो सकती है। और ये जो बलैरो गाड़ी थी जहां जिन्होंने अटैक किया सिद्धू मूसेवाले के ऊपर और ये 4 दिन पहले पंजाब में एंटर की थी और ये बंदे हरियाणा से आए थे तो हरियाणा में ये लोग रह रहे थे वहां से ये गाड़ी पंजाब में एंटर की है। तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है भाई हरियाणा की सरकार के ऊपर भी कि उनकी स्टेट में ये बंदे कैसे रह रहे थे और इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, इनके पास इतने खतरनाक हथियार थे किसी ने चेक क्यों नहीं किया, किसी को पता क्यों नहीं चला, कहां है इंटेलिजेंस। तो ये बहुत बड़े सवाल है भाई, 4 दिन पहले ये पंजाब में एंटर हुए थे लेकिन जो ये अभी सीसीटीवी फुटेज से निकल के आ रहा है ये हरियाणा से पंजाब में एंटर हुए थे इस वारदात को अंजाम देने के लिए और इन्होंने हरियाणा में भी छापेमारी करके इस वारदात से रिलेटेड 2 बंदों को और अरेस्ट किया है। अभी एक जो लड़का था गुरप्रीत नाम का उसको मनप्रीत नाम के बंदे को भी अरेस्ट किया गया था क्योंकि उसने गाड़ी मुहैया करवाई थी जो करोला गाड़ी थी लेकिन अभी उसका परिवार भी सामने आ रहा है कि हमारे लड़के का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो फिलहाल अभी चल रही है क्योंकि गाड़ी जो यूज हुई है वो मनप्रीत के घर के अंदर 1 हफ्ते तक खड़ी रही थी और 1 हफ्ते के लिए उसने आगे वो गाड़ी दी थी इन क्रिमिनल्स को जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला भाई के ऊपर अटैक किया है। तो अभी मेरे हिसाब से ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास अभी फिलहाल है मैंने सारी आपके साथ शेयर कर दी है और जो जेलों का जो भी हेड है उसको भी चेंज कर दिया गया है पंजाब में, जितनी भी जेलें हैं जिस हेड के अंदर आती हैं उस हेड को भी चेंज कर दिया गया है और सिद्धू नाम के कोई हैं ऑफिसर उनको लगाया गया है इंचार्ज और बहुत ज्यादा सख्ती बरती जा रही है इस समय
इसको खत्म करने के लिए। और हमारे पंजाब के सीएम ने भी वादा किया है कि सिद्धू मूसेवाले को हम जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलवा के रहेंगे। तो अभी बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो वीडियो अभी मेरे हाथ लगी है, जो मेरे पास आई है वीडियो, उसमें साफ देखा गया है भाई जो सिद्धू मूसेवाले भाई के ऊपर अटैक हुआ है और AN-95 जो गन यूज हुई है वो भी उसमें साफ दिखाई दी है। तो अभी जल्दी से बढ़ते हैं, ज्यादा बातें न करते हुए जल्दी से बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग वो वीडियो के लिए वेट कर रहे हो। तो आपको सीधा दिखाता हूं मैं वो वाली वीडियो। तो ये है वो वीडियो जो मूसेवाले के ऊपर अटैक किया जा रहा है ब्लेरो गाड़ी में। और बहुत से लोगों को डाउट भी होगा कि भाई ये असली है या नकली है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक बंदे ने गाड़ी के अंदर से AN-95 जो गन है वो निकाली है और उससे फायर किया है। और जो इसके साउंड है अभी आपको मैं प्रॉपर इसका सारा साउंड भी सुनाऊंगा। जो फायर के साउंड है, जो पीछे एक CCTV फुटेज आई थी, बिल्कुल साउंड उससे मैच भी कर रहे हैं गन शॉट के। और AN-95 जो रशिया की गन है जिसे सिद्धू मूसेवाले के ऊपर सबसे ज़्यादा गोलियां चलाई गई हैं और उसी से ही उसकी मौत हुई है, तो वो वाली गन भी इसमें साफ दिख रही है अभी आपके सामने। ये आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा भाई, ये AN-95 गन, ये पीछे वाला जो बंदा है वो गाड़ी से निकाल के चला रहा है और इनके ऊपर भी फायर किया गया है सिद्धू मूसेवाले की तरफ से। और ये जो फोटेज है ये एक अमेरिका के न्यूज़ चैनल है उसने सबसे पहले ये वाली फोटेज दिखाई है और मुझे भी वही उसी चैनल से ये फोटेज मिली है। और मैंने भी इसको काफ़ी देर तक देखा और पूरा कंफर्म होने के बाद ही अभी मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जो गन के साउंड्स हैं वो सारे मैच कर रहे हैं, जो पीछे CCTV फोटेज आई थी उससे प्रॉपर सारे साउंड जो है वो मैच कर रहे हैं। और AN-95 जो गन है जो दिखाई गई, अगर आप गूगल पर सर्च करें तो ये बिल्कुल वैसी ही गन है और AN-95 जैसी गन है और इसी से ही कहा गया है कि अटैक हुआ है। और बिल्कुल सेम गन अभी ये बंदे चला भी रहे हैं और गाड़ी भी ब्लेरो है और जो फायर के साउंड है वो भी मैच करते हैं। तो अभी आप इसके जो साउंड है वो पूरा आपको सुनाता हूँ। Thank you.